इसी बीच अगली खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर आज छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौट आएंगे। बता दें कि उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान के बाद आज मुख्यमंत्री रायपुर लौटेंगे। बता दें कि दोपहर 1 बजे दिल्ली से लखनऊ रवाना होंगे। बता दें कि लखनऊ में दोपहर 3 बजे वे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम 4 बजे सीएम पार्टी बैठक में हिस्सा लेंगे। बता दें कि सीएम लखनऊ से रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे। तो खबर में आपको छत्तीसगढ़ के रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश के चुनावी अभियान को देखते हुए आज छत्तीसगढ़ लौट आएंगे सीएम भूपेश बघेल। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 1 बजे दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। यहां पर इस दौरान लखनऊ में सीएम भूपेश बघेल दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शाम 4 बजे वे पार्टी बैठक में शामिल होंगे और लखनऊ से रवाना होकर शाम 7 बजे रायपुर पहुंचेंगे। इसी बीच अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर नए केसेस की तुलना में स्वस्थ होने वाले केसेस की संख्या बढ़ गई है। बता दें कि बीते 24 घंटे में 5,796 मरीज स्वस्थ हो गए। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 5,614 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं 9 मरीजों की उपचार के दौरान मौत होने की भी खबर है, जिसमें की 7 अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बता दें कि प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 11.17% तक पहुँच चुकी है। वहीं प्रदेश में अब 50,258 लोगों की जांच की गई। बता दें कि प्रदेश में एक्टिव केसेस अब 31,769 तक पहुंच चुके हैं। वहीं सबसे ज्यादा रायपुर में 1,499 पॉजिटिव मरीज सामने आए। बता दें कि दुर्ग जिले में 734, कोरबा में 308 मरीज तो रायगढ़ 528 मरीज सामने आए। वहीं बिलासपुर में भी 307 मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं राजनांदगांव में भी 313 मरीज सामने आए। वहीं जांजगीर चांपा में भी 300 के पार आंकड़ा रहा, जहां पर 307 मरीज सामने आए और कांकेर में भी 233 नए केसेस सामने आए हैं। तो इस वक्त की अगली बड़ी खबर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर से आ रही है, जहां पर रायपुर में कोरोना के डर के चलते हवाई यात्री आधे से भी कम नजर आ रहे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, जिसका असर अब हवाई यात्रा पर भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि एक हफ्ते में 44% से भी ज्यादा हवाई यात्री घट चुके हैं और उड़ानों के संचालन में भी 24% की कमी हुई है। बता दें कि बहुत जरूरी होने पर ही लोग यात्रा कर रहे हैं। वापस छत्तीसगढ़ लौटने वालों की संख्या अधिक देखी जा रही है।